एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है कि नीट 2020 रिजल्ट्स जो है वो डिक्लेयर हो चुके हैं और काफी शॉकिंग रिजल्ट्स रहे हैं। लास्ट टाइम से बहुत ज्यादा बच्चों ने जो है काफी अच्छा स्कोर किया है। इवन 720 आउट ऑफ 720 भी दो बच्चों के मार्क्स आए हैं। ठीक है, 720 मार्क्स पे जो है ऑल इंडिया रैंक वन भी है एंड 720 मार्क्स पे ही ऑल इंडिया रैंक सेकेंड भी है। ठीक है, क्योंकि एज पॉलिसीज क्या कहती है नीट की, अगर मैं बात करूं आपसे तो अगर किन्हीं बच्चों के सबसे पहले तो मार्क्स देखे जाते हैं बायोलॉजी में। ठीक है, अगर सेम मार्क्स है ना, फॉर एग्जांपल अगर दो बच्चों के 600 मार्क्स हैं तो उनके सबसे पहले मार्क्स देखे जाएंगे बायोलॉजी में, कि बायो में जिसके भी मार्क्स ज्यादा होंगे उसको रैंक अच्छी मिलेगी। ठीक है, बेटर रैंक उसको मिलेगी। अगर बायो में भी मार्क्स सेम है तो फिर केमिस्ट्री की कंपेयर करते हैं, केमिस्ट्री में भी मार्क्स सेम है तो फिर फिजिक्स के मार्क्स कंपेयर करेंगे। एंड अगर तीनों ही सब्जेक्ट्स में मार्क्स सेम है एंड ओवरऑल स्कोर भी सेम है तो फिर हम उनका क्राइटेरिया होता है एज, जिसकी एज ज्यादा है उसको जो है प्रायोरिटी देंगे, उसको अच्छे रैंक देंगे। ठीक है, तो यहां पर क्योंकि मार्क्स 720 थे दो के, इसलिए इसमें ओवरऑल मार्क्स भी सेम है, हर सब्जेक्ट में मार्क्स भी सेम है तो फिर रैंक जो है बेटर मिली वो एज के हिसाब से मिली है। तो जो एज है, जिसकी एज ज्यादा थी उनको रैंक वन मिली है, जो यंग थी उनको रैंक सेकंड मिली है। अब देखिए, मैं बताऊंगी आपको, इस वीडियो को आप एंड तक देखना क्योंकि इसके अंदर आपको कन्फर्म पता चल जाएगा कि किसको कितने मार्क्स पे कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, काफी डाउट होता है इस चीज में कि अब क्या करना चाहिए। हम बैठे रहना तो नहीं चाहिए ना, क्योंकि आप या तो फिर कंफर्म करें कि आपको सीट मिलेगी या नहीं। मेरे साथ यही था कि लास्ट ईयर तक अगर आप कंफ्यूजन में रह जाते हैं और लास्ट काउंसलिंग तक वेट करते रह जाते हैं तो काफी टाइम आपका वेस्ट हो जाता है। इसलिए देखिए, ट्राई करते रहिए, लेकिन एटलीस्ट एक आइडिया रखिए कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। पहले ही जितना हो सके उतना सच को अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, आपका आगे का और टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं 700 मार्क्स के ऊपर जो है 85 रैंक है। इसका मतलब है कि 700 प्लस मार्क्स 85 बच्चों के हैं। ठीक है, लेकिन इनमें से कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो एम्स में जाएंगे क्योंकि एम्स भी इसी से जाएंगे, तो एम्स में कुछ चले जाएंगे, एम्स दिल्ली में, जिनके 705 मार्क्स होंगे या 705 प्लस मार्क्स होंगे वो तो एम्स दिल्ली में जाने के उनके काफी ज्यादा चांसेस हो जाएंगे, इसलिए वो एम्स दिल्ली में चले जाएंगे। बचे हुए जो हैं वो दिल्ली के टॉप कॉलेजेस या फिर और जितने भी बाकी एम्स बचते हैं वो उनकी चॉइस है कि अगर वो दिल्ली के कॉलेजेस लेना चाहते हैं या फिर और कहीं पे भी वो एम्स ले सकते हैं। ठीक है, ज्यादातर बच्चों में क्या होता है, एम्स दिल्ली का ही क्रेज होता है। अब मैं बात करती हूँ आपसे 650 मार्क्स एक काफी बड़ा टारगेट, काफी अच्छे मार्क्स माने जाते थे, लेकिन अभी 650 मार्क्स पे भी आपको 3600 रैंक मिल रही है। ठीक है, 650 मार्क्स पे आपको 3600 रैंक मिल रही है, इसका मतलब है 650 प्लस मार्क्स जो है ना वो 3600 स्टूडेंट्स के आए हैं और ये लास्ट ईयर से तो बहुत बहुत ज्यादा रैंक जो है वो शफल की है। लास्ट ईयर भी चलो काफी जो रैंक थी, काफी कट ऑफ जो थी वो ऊपर गई थी, लेकिन उससे भी काफी ऊपर इस बार गई है। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ 620 मार्क्स। अब 620 मार्क्स पे 11,500 रैंक है। ठीक है, अगर नॉर्मली हम देखें कि गवर्नमेंट सीट्स जैसे राजस्थान में हरियाणा में दिल्ली में इन सब स्टेट्स की अगर हम बात करते हैं ना, तो 11,500 रैंक जो है वो काफी ठीक है, आपको इजीली आपके स्टेट कोटा से आपको सीट मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन क्योंकि इस बार एम्स भी इसी में है एंड बच्चे इसमें से एम्स भी जाने वाले हैं, वैसे तो 620 मार्क्स जिसके हैं और 620 प्लस मार्क्स जिसके हैं वो बिल्कुल सेफ है, उनको कॉलेज डेफिनेटली मिल जाएगा। ठीक है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है अगर 620 प्लस मार्क्स आपके हैं तो हम मान सकते हैं रफ एस्टिमेट कि 620 एक सेफ स्कोर है 11,500 रैंक, क्योंकि इसमें से एम्स में निकल जाएंगे बच्चे। ठीक है, जिपमर में चले जाएंगे तो आप काफी हद तक सेफ हो। अब हम बात कर लेते हैं जो सबसे ज्यादा रिस्क पे हैं वो कौन से बच्चे हैं जिनके 610 मार्क्स हैं। 610 नंबर वाले काफी रिस्क पे हैं क्योंकि इस पे 15,000 रैंक है। ठीक है, और ये वो स्टूडेंट्स हैं जो काफी ज्यादा डाउट में रहने वाले हैं। डाउट में इसलिए रहेंगे क्योंकि आपको लास्ट काउंसलिंग तक हो सकता है सीट मिल भी जाए और हो सकता है सीट ना भी मिले, तो इसके लिए आपको लास्ट तक ट्राई करते रहना पड़ेगा क्योंकि 610 मार्क्स पे 15,000 रैंक है। 15,000 रैंक
पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी कॉलेज मिलेगी, आपके पास कौन कौन से रिजर्वेशन है। ठीक है, अगर आपके पास अच्छे खासे रिजर्वेशन है ना तो आपको सीट मिल सकती है। अब मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, 600 मार्क्स जो है, 600 मार्क्स पे 20,000 रैंक है। ठीक है, अगर मैं मेरे कॉलेज की बात करूं तो उसके अंदर लास्ट टाइम 19,000 रैंक तक भी स्टूडेंट्स को लिया गया था, और आईपीयू के अंदर वो कॉलेज आता है, काफी रिजर्व्ड है। आर्मी आर्मी कोटा से आपको मिल सकता है, एससी एसटी कोटा से आपको मिल सकता है कॉलेज। उस पे इस बार आपको मिलेगा 605+ पे। ठीक है, क्योंकि उसकी 19,000 तक रैंक जाती है, 605+ मार्क्स पे ही आपको वो कॉलेज मिल सकता है इस बार, जबकि लास्ट टाइम वो आपको इजीली 560 मार्क्स पे मिल गया था। ठीक है, 560 एंड 605 में काफी बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, 45 मार्क्स का डिफरेंस है, तो आप सोच सकते हैं कि पिछली बार से कितने ज्यादा मार्क्स में इंक्रीमेंट हुआ है, कितनी ज्यादा कट ऑफ में इंक्रीमेंट हुआ है। अगर हम 600 पे बात करें तो 20,000 रैंक है। अब वो रिजर्वेशन वाले जितने भी बच्चे होंगे जिनके पास आईपीयू का रिजर्वेशन है या फिर और कोई रिजर्वेशन है, आर्मी बैकग्राउंड से है, एसटी एससी की तो बात अलग हो गई, हम बात यहाँ पे वैसे तो जनरल की कर रहे हैं, ओबीसी की कर रहे हैं। अब ये जो बच्चे हैं इनको उस केस में, 600 वालों को उस केस में मिल सकता है कॉलेज। ठीक है, लेकिन 610 वाले जो हैं वो काफी अनसेफ, अनसेफ तो नहीं बोलेंगे लेकिन रिस्क फैक्टर है कि हो सकता है मिले हो सकता है ना मिले। सबसे ज्यादा सेफ है वो 620 वाले हैं। अब ये जो मैंने और यहाँ पे लिखा है, 570 पे 36,000 रैंक है एंड 550 पे 50,000 रैंक है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा डिफरेंस आया है रैंक्स के अंदर। लास्ट ईयर के लिए कंपेयर करने के लिए मैंने ये यहाँ पे लिखा है। 570 मार्क्स का मतलब है कि पिछली बार 570 मार्क्स के ऊपर ना 17,000 रैंक थी। ठीक है, 17,000 या फिर समवेयर बिटवीन 16,000 एंड 17,000 रैंक थी। अब आप सोच सकते हैं डबल से भी ज्यादा रैंक यहाँ पे पहुंच चुकी है। देखिए, काफी काफी हद तक कट ऑफ ऊपर जा चुकी है। जो एस्टिमेट लगाया गया था जनरल ओबीसी क्वेटा के लिए, स्टेट क्वेटा से मिल जाएगा, तो 620 बोला गया था कि 620 के अप्रोक्स या 600+ कट ऑफ जाने वाली है, एंड डेफिनेटली वही हुआ है इस बार। काफी सारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। ठीक है, क्योंकि उसका फैक्टर क्या था कि लॉकडाउन हो गया था, तो लॉकडाउन के अंदर ना काफी सेल्फ स्टडी करने वाले काफी बच्चे थे, जो रिपीटर्स थे उनको भी काफी फायदा हुआ है, क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट तो सारे क्लियर थे, सिर्फ रिवीजन करना था, एंड रिवीजन के लिए तो बहुत सारा टाइम मिल गया था इस बार। इसलिए यही वजह रही है कि, और कुछ एक वजह ये भी है कि पेपर थोड़ा इजी बता रहे हैं इस बार, पेपर भी थोड़ा इजी आया, प्लस रिवीजन के लिए इतना सारा टाइम मिल गया। नुकसान सिर्फ उन लोगों को हुआ है जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया था, या फिर जिनको पूरे कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं आते थे उनको थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, या फिर जिन्होंने बहुत ज्यादा हल्के में ले लिया था कि नीट नहीं होगा, जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी उनको काफी नुकसान हुआ है। ठीक है, अदरवाइज लोगों ने बहुत इसका फायदा उठाया है, स्टूडेंट्स ने काफी अच्छी मेहनत की है, काफी पढ़ाई की है, और तभी उन्होंने इतना अच्छा स्कोर किया है। अगर हम बात करें अब 570 मार्क्स पे, तो पिछले साल के कंपेयर में तो बहुत ज्यादा रैंक जो है वो शफल कर चुकी है यहाँ पे। अगर आपके 600 मार्क्स हैं तो 20,000 आपकी रैंक रहेगी, जबकि पिछली बार 550 के अप्रोक्स जो है वो 20,000 रैंक थी, तो कहीं ना कहीं 50 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है। अगर आप मार्क्स में कंपेयर करना चाहते हैं तो 50 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है। अगर आप रैंक में कंफर्म करना चाह रहे हैं, रैंक में देखना चाह रहे हैं, तो कितना ज्यादा शफल कर रहा है आपको दिखाई दे रहा होगा कि 20,000 रैंक जो है 600 पे है, जबकि पिछली बार 550 मार्क्स पे 20,000 रैंक थी। अब बात कर लेते हैं एससी एसटी क्वेटा वालों की, तो उनके लिए ये मैं नहीं, यहाँ पे जो है रैंक्स एंड कट ऑफ मैंने उनके लिए नहीं बताई है, उनके उनका रिजर्वेशन है तो वो अलग आ जाते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जनरल एंड ओबीसी की मैंने बात की है। ठीक है, तो अगर आपको एकदम सेफ आपको स्कोर जानना है तो सबसे सेफ है 620। ठीक है, इनको कॉलेज मिल जाएगा, लास्ट तक आप एकदम ट्राई करना, अच्छे से अच्छा कॉलेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि 11,500 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उनमें से एम्स में चले जाएंगे। ठीक है, एम्स की भी अगर हम मान के चले तो 800-900 से ऊपर ही सीट्स हैं, तो इतने बच्चे तो एम्स में चले जाएंगे, उसके अलावा जिपमर में चले जाएंगे, तो काफी सारी सीट्स जो है वो आपको ऑल इंडिया कोटा में मिल जाएंगी इस वजह से। अब अगर मैं बात करूं 610 वाले जो स्टूडेंट्स हैं, वो काफी, आप सोच सकते हैं कि
थोड़ा रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है, रिस्क है थोड़ा सा, तो आप लास्ट तक ट्राई करते रहना। लक पे भी डिपेंड करता है, आपकी रिजर्वेशन पे भी डिपेंड करता है, हो सकता है आपको मिल जाए, हो सकता है ना मिले, ठीक है, लेकिन लास्ट तक आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जो 600 वाले हैं और ओबीसी जनरल कोटा है तो बहुत ही मुश्किल है कि आपको कॉलेज मिले, इसलिए इस उम्मीद में मत बैठे रहना कि शायद कोई कॉलेज मिल जाए। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ और अगर आपको फिर से नीट की तैयारी करनी है तो अपनी तैयारी में जुट जाओ यार, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ हो रहा है। रैंक्स जो है वो बहुत अच्छी आ रही है स्टूडेंट्स की, काफी अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो अब आप टाइम वेस्ट करना बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आपके 600 मार्क्स हैं तो आपको एक और ट्राई तो कंफर्म देना चाहिए यार, 600 मार्क्स बिल्कुल बुरे नहीं होते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। जस्ट बिकॉज कॉम्पिटिशन इतना बढ़ गया है इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी से कम हो या 570 वाले किसी से कम है, काफी आप अच्छा ही स्कोर माना जाएगा, ठीक है। आप एक और ट्राई दो, आप भी यहां तक पहुंच सकते हो, है ना, आप 600 से आप सीधा 700 प्लस पे पहुंच सकते हो, तो आप बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें अपना, अपनी वापस से तैयारी में लग जाएं, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा टाइम और देके देखें, आपके लिए ना इससे बेटर कुछ लिखा हुआ है, इसलिए आप एक बार और ट्राई करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।